तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे SR 4.57। SR 4.57 क्या है? डिटैचिंग लोको विद इन स्टेशन, यानी स्टेशन के ऊपर ही है ट्रेन और वहां पे हमें लोको डिटैच करना है। सो आप क्लियरली समझो, देखो इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था सिक्योरिंग एंड स्टेबलिंग के बारे में। सिक्योरिंग एंड स्टेबलिंग का रूल नंबर क्या डाले थे? SR 5.23 एंड 5.19। तो थोड़ा रूल नंबर भी मन में रखना चाहिए ताकि कंसेप्ट क्लियर होता रहे। तो जो सिक्योरिंग स्टेबलिंग करते हैं रूल नंबर 5.23 और 5.19 के अंतर्गत, तो क्या है, हम लोको डिटैच करके भेज दिए, फॉर्मेशन स्टेबल्ड हो गया और वो लोड को क्लियर होने में टाइम लगेगा, जिसको बोलते स्टेबलिंग। और इसके बाद वीडियो में हमने डिस्कस किया रूल नंबर 4.48 कि यदि ब्लॉक सेक्शन में किसी इमरजेंसी के कारण हमको फॉर्मेशन से लोको डिटैच करना पड़ेगा तो क्या प्रिकॉशन लेना है, जिसमें हमने डिस्कस किया था पैसेंजर ट्रेन का डिटैच किया इमरजेंसी में तो 45 मिनट में दूसरा लोको अरेंज करना है, और फॉर्मेशन ब्रेक, स्किट्स, वेजेस और SLR में हैंड ब्रेक लगाना है, और गुड्स ट्रेन के लिए 1:600 से कम स्टीपर है तो ब्रेक बैंड प्लस 18 व्हीकल्स, और 1:600 से ज़्यादा स्टीपर है तो ब्रेक बैंड प्लस ऑल व्हीकल्स का हैंड ब्रेक लगाना है। और रूल नंबर था 4.48। अब हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ना, तो ये 5.23 नहीं है, सिक्योरिंग एंड स्टेबलिंग नहीं है, ब्लॉक सेक्शन में ट्रेन नहीं है, इसलिए 4.48 रूल भी लागू नहीं होता है। ट्रेन कहाँ है? स्टेशन में है, लेकिन परमानेंट स्टेबल हम नहीं कर रहे हैं, जस्ट थोड़ा देर के लिए लोको डिटैच कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंजन रिवर्सिंग है, आगे से पीछे ले जाना है, या पावर इंटरसेप्शन है, डीजल टू इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक टू डीजल, या डीजल टू डीजल, पावर इंटरसेप्शन है, इंजन रिवर्सल है, कुछ देर के लिए जब डिटैच करते हैं उस समय क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, तो वहाँ पे हमें रूल नंबर 4.57 के हिसाब से काम करना चाहिए। ओके, सो इस ये रूल को तीन भागों में बांटा गया है, इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट की कैटेगरी क्या है कि स्टेशन में ग्रेडियंट इज नॉट स्टीपर देन 1:600, यानी नॉर्मल ग्रेडियंट है, ज़्यादा स्टीपर ग्रेडियंट नहीं है, तो ऐसा केस में हमें कितना हैंड ब्रेक लगाना है, ब्रेक वैन हैंड ब्रेक और सिक्स वैगन, मतलब या तो आप ब्रेक वैन है तो ब्रेक वैन का हैंड ब्रेक लगा दो, मान लो ब्रेक वैन नहीं है, ब्रेक वैन भी बाहर निकालना है, वैसी परिस्थिति में सिक्स वैगन का हैंड ब्रेक लगाना चाहिए। स्किट्स वेजेस तो रहेगा, वो कॉमन है, और फॉर्मेशन ब्रेक लोको पायलट लगा के जाएगा, A9 लगा के जाएगा, वो सब कॉमन है, A9 लगाना कॉमन है, स्किट्स वेजेस लगाना कॉमन है, हमेशा लगाएंगे, और हैंड ब्रेक कितना लगाएंगे, ब्रेक बैन है तो ब्रेक बैन का हैंड ब्रेक सफिशियंट है इसके लिए फर्स्ट पोर्शन में, और ब्रेक बैन नहीं है तो सिक्स वैगन का हैंड ब्रेक लगा देना चाहिए। सो दैट इज आवर फर्स्ट पॉइंट इन दिस वन। नाउ सेकेंड पॉइंट, ऐसा स्टेशन है जहाँ पे ग्रेडियंट 1:600 और 1:260 के मध्य में है, मीन्स ग्रेडियंट इज स्टीपर देन 1:600, 1:600 से तो ज़्यादा खतरनाक है, 1:500 है, 1:400 है, 1:300 भी इसी में आ जाएगा, बट नॉट स्टीपर देन 1:260, यानी 1:600 से खतरनाक होते होते 1:260 तक हो सकता है, उसके मध्य में है, इट इज बिटवीन 1:600 एंड 1:260। इन दैट केस क्या रूल है, ब्रेक वैन प्लस सिक्स वैगन, फर्स्ट पॉइंट में रूल था ब्रेक वैन और सिक्स वैगन्स, दूसरे वाले में ब्रेक वैन प्लस सिक्स वैगन, यानी ब्रेक वैन का हैंड ब्रेक लगाना है
प्लस 6 वैगन का और हैंड ब्रेक लगाना चाहिए, गुड स्टैंड का बात हो रहा है, क्योंकि जो हमारी पैसेंजर ट्रेन है उसमें तो सिर्फ SLR में ही हैंड ब्रेक लगा सकते हैं, स्किड्स विजय लगा सकते हैं, और पैसेंजर ट्रेन में दो SLR रहता है, फ्रंट और रियर SLR, तो दोनों में हैंड ब्रेक लगाना चाहिए उस समय जब हम पावर डिटैच कर रहे हैं। तो पैसेंजर ट्रेन के लिए तो सिंपल है क्योंकि उसमें हैंड ब्रेक्स वैगन के ऊपर कोचेज के ऊपर नहीं है, गुड्स ट्रेन में ही ये रूल लागू होगा। पैसेंजर के लिए सीधा रूल है कि रियर SLR और फ्रंट SLR दोनों में हैंड ब्रेक लगा देना चाहिए और फॉर्मेशन ब्रेक लगा देना चाहिए। यहाँ पे जो गुड्स ट्रेन का केस है तो गुड्स ट्रेन में सेकेंड पॉइंट में यदि ग्रेडियंट 1:600 और 1:260 के बीच में है तो ब्रेक बैन प्लस 6 वैगन, अब सपोज करो ब्रेक बैन नहीं है या उसको भी अलग करना है तो 12 वैगन, क्योंकि जो ब्रेक बैन का हैंड ब्रेक है आपको पहले भी हमने बताया वो 6 वैगन के हैंड ब्रेक के बराबर माना जाता है, तो ब्रेक बैन प्लस 6 वैगन और ब्रेक वैन नहीं है तो टोटल 12 वैगन्स का हैंड ब्रेक लगाएंगे, इस किट्स विजेस कॉमन है, फॉर्मेशन ब्रेक A9 कॉमन है। थर्ड पॉइंट, इफ ग्रेडियंट इज स्टीपर देन 1:260, उससे भी ज़्यादा खतरनाक ढाल है स्टेशन में, सो नॉर्मली अवॉइड करते हैं ऐसे स्टेशन में जहाँ पे ज़्यादा ग्रेडियंट है, 1:260 से ज़्यादा ग्रेडियंट है अवॉइड करते हैं, बट इमरजेंसी में यदि ये सब करना पड़ा है तो क्या है प्रिकॉशन, ब्रेक वैन प्लस 12 वैगन्स हैंड ब्रेक, A9 लगाना, स्पीड स्विच लगाना और उसके बाद में ब्रेक वैन प्लस 12 वैगन्स, और यदि ब्रेक वैन नहीं है तो टोटल कितना हो जाएगा, 18 वैगन्स हैंड ब्रेक लगाना चाहिए। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स इन दिस रूल, सो आई थिंक आप लोग अच्छी तरह समझ गए हैं, यू हैव अंडरस्टूड क्लियरली, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और अपने ग्रुप्स में फ्रेंड्स में शेयर करिए, ओके, सो दैट जो नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा और आपको पढ़ने के लिए आसानी रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।